उज्जैन जिले के साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिना किसी वन टाइम ओटीपी के चोर गिरोह ग्राहकों के खातों से पैसे निकालते थे। अब तक 1 करोड़ से अधिक का पैसा उड़ा चुके हैं। चोर बैंक खातों से ग्राहकों का डेटा मात्र 8 से 16 डॉलर में ऑनलाइन खरीदते थे। उज्जैन महावीर नगर निवासी मंजू शर्मा के बैंक माधव नगर शाखा से 97 रुपए बिना किसी सूचना के निकालने की शिकायत साइबर सेल में की थी, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना कर पाया कि शादाब अली, फिरोज आलम, मतीउल्लाह खान, फजल खान का इस मामले में आरोपी होना पाया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि ये बैंकों का डेटा ऑनलाइन 8 से 16 डॉलर में खरीदते थे, जिन्हें ये गेम जोन से पॉइंट खरीदकर और ऑनलाइन शॉपिंग और कार्ड स्वैपिंग के माध्यम से लोगों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर बिना ओटीपी के अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। उज्जैन सहित कई शहरों में इस गैंग द्वारा ऑनलाइन लूट को अंजाम दिया जा चुका है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। देखिए, वर्ष 2019 के जनवरी में उज्जैन के महावीर रेवेन्यू मक्सी रोड निवासी मंजू शर्मा, जिनके पति श्री रमेश चंद शर्मा सीआरपीएफ में ऑफिसर है, इन दोनों का एक ज्वाइंट अकाउंट है जिसका एक एटीएम डेबिट कार्ड है। इन्होंने ये शिकायत की थी कि उनके एटीएम डेबिट कार्ड से लगभग 300 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और जिसमें लगभग 49,000 रुपये उसमें से अनऑथराइज रूप से विड्रॉल हुआ। इस शिकायत की जांच उज्जैन साइबर सेल ने की और उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया था। और आज उज्जैन साइबर सेल को एक बड़ी सफलता इसमें मिली है कि जो 49,000 रुपये अनधिकृत रूप से ट्रांसफ़र किए गए थे, उसमें 4 आरोपियों शादाब, मतीउल्लाह, फैजल और फिरोज, जो कि मुंबई के भांडुप के सोनापुर इलाके के निवासी हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, उससे पता पड़ा है कि ये जो हैकर्स की वेबसाइट रहती है, जहां पर भारतीय उपभोक्ताओं का और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का डाटा रहता है, जिसको कि बिटकॉइंस और दूसरी वर्चुअल करेंसी से ख़रीदा जाता है, वहाँ से ये मंजू शर्मा जी का एटीएम कार्ड का डाटा खरीदा गया और उसके माध्यम से फिर साइबर गेमिंग और वीगो लाइव, इस तरह की जो लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है जिससे लाइव पोर्नोग्राफी भी देखी जाती है, 3 पत्ती गेम भी खेला जाता है, तो इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय एप्लीकेशंस पर वो पैसा खर्च किया गया। चारों आरोपियों को उज्जैन साइबर सेल ने भोपाल से मुंबई से गिरफ्तार किया है और इसमें आगे विवेचना जारी है। सर, और भी कई मामले ऐसे कहीं सामने आए हैं जिसमें दूसरे लोगों के साथ ऐसी घटना की? निश्चित रूप से इनसे जो हमको डाटा मिल रहा है, उसमें ये तो जो मंजू शर्मा जी जो पीड़ित हैं इस प्रकरण की, उनके कार्ड से संबंधित जानकारी तो मिल ही रही है, साथ में अन्य ऐसे कई लोगों के कार्ड की डिटेल भी मिल रही है, जिनके माध्यम से ये एप्लीकेशंस, लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस, पबजी, 3 पत्ती, इस तरह की एप्लीकेशन पे वो पैसा खर्च किया गया अनाधिकृत रूप से और वो जो हैकर्स की वेबसाइट थी वहाँ से ये कार्ड खरीदे गए। तो निश्चित रूप से मंजू शर्मा जी के अतिरिक्त भी अन्य पीड़ितों का इसमें पता पड़ा है। कितने पीड़ित हैं जो जिनसे? देखिए, अभी पीड़ितों की पहचान स्थापित की जानी है, जिसके लिए हमें बैंक्स की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड बड़ी संख्या में इन लोगों ने वर्ष 2017 से ही ये लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं। और इनमें से एक जो लड़का है फैजल, उसके बारे में ये भी जानकारी प्राप्त हुई, वो 8वीं पास है, वो वर्ल्ड मोबाइल पूल गेमिंग का चैंपियन भी रहा है। तो ये लड़के कई वर्षों से इस तरह की साइबर गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग में लिप्त रहे हैं। सर, ट्रांजेक्शन कितने कितने लोगों का रहता था, वो कितने? देखिए, हमारा जो ये वाला प्रकरण है, मंजू शर्मा जी वाला प्रकरण है, इसमें 1 रुपये से लेकर 97 रुपीज तक के 300 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन विदाउट ओटीपी इन लोगों द्वारा किए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।